बहुचर्चित बॉलीवुड अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयप्रदा हाल ही में गायब चल रही हैं। आप सोच रहे होंगे आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। अगर बात करें तो आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों में फरार चल रही पूर्व सांसद और अभिनेत्री जयप्रदा के खिलाफ रामपुर की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। बुधवार को कोर्ट ने समय देने का उनका प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए मुचलका धनराशि जब्त कर ली, साथ ही जमानत लेने वालों की भी फाइल खोल दी। अदालत ने एक बार फिर पुलिस को जयप्रदा को गिरफ्तार कर हाजिर करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी। आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान जयप्रदा के खिलाफ स्वार और केमरी थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। लंबे समय से इनकी सुनवाई चल रही है लेकिन एक बार भी जयप्रदा अदालत में पेश नहीं हुई। उनके खिलाफ कई बार गैर जमानती वारंट जारी किए जा चुके हैं। जयप्रदा को गिरफ्तार करने का आदेश पहले भी दिया जा चुका है। पुलिस उनको ढूंढते हुए दिल्ली और मुंबई तक भी जा चुकी है। रामपुर पुलिस का कहना है कि जयप्रदा किसी भी ठिकाने पर नहीं मिली। उनके खिलाफ मामले में 6 बार और दूसरे मामले में 5 बार गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। जयप्रदा रामपुर सीट से लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा के टिकट से उतरी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।